ग्वालियर जिले के भितलवाल विकासखंड के कधैया गांव में मंगलवार की शाम एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि यहां आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ के नीचे खड़े चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं पांचवा व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार कधैया गांव में एक खेत का सीमांकन होना था, जहां राजस्व निरीक्षक पटवारी सहित पांच लोग हरि सिंह, उदयभान, बल्कि कुकू और पप्पू आदि भी मौजूद थे। उसी दौरान अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज आंधी पानी के साथ ही आसमान में बिजली भी कड़कने लगी, जिसके चलते सीमांकन करने वाला सरकारी अमला एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, जबकि ग्रामीण बल्ली, कुकू, पप्पू और हरि सिंह सहित उदयभान दूसरे पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी कड़कती हुई बिजली उन पर गिर गई। इसमें उदयभान गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्वालियर के करैया थाना क्षेत्र में जो है शाम को 5:30 बजे की घटना है। कुछ किसान लोग जो सीमांकन करवा रहे थे, तो इसी बीच में बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश आई, जामुन के पेड़ के नीचे खड़े हो गए और इसी बीच में एक आकाशीय बिजली गिरी, जिससे पेड़ के ऊपर, जामुन के पेड़ के ऊपर, उसमें पेड़ के नीचे खड़े पाँच लोग आकाशीय बिजली से आहत हुए, उसमें चार लोगों की घटनास्थल पर डेथ हो गई और एक जो है गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे ही सूचना करैया थाने पर पहुंची तो करैया थाना प्रभारी और SDO भी तत्काल मौके पर पहुंचे। एक व्यक्ति जो है घायल था, उसको तत्काल पुलिस वाहन से, थाना प्रभारी ने अपने वाहन से तत्काल मेडिकल एड के लिए रवाना कर दिया और अन्य लोगों को जो उपलब्ध साधन थे उससे मेडिकल के लिए रवाना किया गया। बड़ी इज्जत घटना घटित हुई करैया।